बसमीमकुम एम एस वर्ल्ड के एम सी क्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशन कैन यू सेट फॉर ड्राप कैप ड्राप कैप के लिए हम कितनी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं तो वो है दो हाउ मेनी डिफरेंट पोजिशन कैन यू सेट फॉर ड्राप कैप तो उसका सही आंसर है टू हाउ मनी वेज़ यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट हम किसी भी डॉक्यूमेंट को तीन वेज से सेव कर सकते हैं हो मेनी सेवस हो मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट तो उसका सही आंसर है थ्री नेक्स्ट है वट इज द मैक्सीम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स वट इज़ द मैक्म नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स तो उसका सही आंसर है दस वट इज द मैक्म नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स तो उसका सही आंसर है दस क्वेश्चन नंबर फोन फोर है सिंगल स्पेसिंग इन एम एस ओवेर डॉक्यूमेंट काजीज ट्वेल्व पॉइंट लाइन स्पेसिंग सिंगल स्पेसिंग इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट काजिज ट्व पॉइंट लाइन स्पेसिंग क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप वट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप तो इसका सही आंसर है थ्री डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप तो उसका सही आंसर है थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स है वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप तो वो है दस मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप तो वो है दस लाइंस हो मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम हो मैनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम तो उसका सही आंसर है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हो मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम तो उसका सही आंसर है फोटी फाइव क्वेश्चन नंबर एट है इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स डेट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ल्ड टेबल तो उसका सही आंसर है सिक्सटी थ्री इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स डेट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ल्ड टेबल तो उसका सही आंसर है सिक्सटी थ्री नेक्स्ट है वाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स तो उसका सही आंसर है टू हंडर्ड वट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्राप डाउन बॉक्स तो उसका आंसर है टू हंडर्ड वट इज द मैक्सिमम फंड साइज यू कैन एप्लाई फार एनी करैक्टर तो उसका सही आंसर है सोलह सो अड़तीस सोलह सो अड़तीस वट इज द मैक्म फंड साइज यू कैन एप्लाई फार एनी करैक्टर तो उसका सही आंसर है सोलह सो अड़तीस वर्ल्ड बाई डिफॉल्ट प्लेज टैब स्टॉप एट एवरी मार्क ऑन द रूलर तो इसका सही आंसर है पॉइंट फाइव वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेस अ टैब स्टॉप एट एवरी पॉइंट फाइव मार्क ऑन द रूलर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि वट इज़ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स तो उसका सही आंसर है डॉट डी ओ सी एक्स वट इज़ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ल्ड डॉकुमेंट्स उसका सही आंसर है डॉट डी ओ सी एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फाइल टाइप डी ओ सी डॉट डी ओ सी द फाइल टाइप डॉट सी ओ सी इंडिकेट द फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विद वर्ड्स करेक्ट एंट्रीज टू डिस्प्ले एन इन डिफरेंट फेस तो हमें क्वेश्चन नंबर में इसका ऑप्शन सी इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी चीज़ को करेक्ट एंट्रीज एड करते हुए अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम विच ऑफ़ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू एड डिलीट और चेंज रिकॉर्ड इन योर डाटा सोर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सही आंसर है सी एडिट डाटा सोर्स बटन विच ऑफ़ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू एड डिलीट और चेंज रिकॉर्ड इन योर इन योर डाटा सोर्स तो उसका सही आंसर है एडिट डाटा सोर्स बटन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स तो वो है ज़ीरो हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स तो वो है ज़ीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विथ ऑफ कॉलम स्मॉलेस्ट विथ ऑफ कॉलम कितनी होनी चाहिए जीरो पॉइंट फाइव वाट इज द स्मालेस्ट विथ ऑफ ए कॉलम किसी भी कॉलम की कम, कम से कम विथ कितनी होनी चाहिए ज़ीरो पॉइंट फाइव बाई डॉक्यूमेंट प्रिंट्स बाई डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स इन तमाम फॉर्म्स के साथ प्रिंट हो सकता है यानी वन इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन वन पॉइंट टू फाइव इंच लेफ्ट एंड राइट मार्जिन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इन तमाम चीज़ों के साथ हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो सकता है वर्ड इज़ प्री सेट टू यूज स्टैंडर्ड एट पॉइंट फाइव बाई एलेवन इंच पेपर विद मार्जिन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सही आंसर आएगा सी 1.25 इंच लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड 1 इंच टॉप एंड बाटम मार्जिन वर्ड इज़ प्रीसेट टू यू स्टैंडर्ड 8.5 पॉइंट फाइव बाई अलेवन इंच पेपर विद 1.25 इंच लेफ्ट और राइट मार्जिन एंड 1 इंच टॉप एंड बाटम मार्जिन क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 हज़ार डॉक्यूमेंट तो वह है ए 1.25 व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट तो वो है 1.25 नेक्स्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फंड साइज अवेलेबल इन फंड साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आठ से बहत्तर तक वट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फंड साइज अवेलेबल इन फंड साइज टूल ऑन फार्मेटिंग टूल बार तो वो है आठ से बहत्तर के दरमियान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है द फुट नोट टैक्सटाइल डिफाइंस करैक्टर एज तो इसका सही आंसर है डी टेन पॉइंट्स टेन पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन एंड पैराग्राफ सिंगल स्पेस्ड एंड लेफ्ट अलाइंट द फुट नोट टैक्सटाइल डिफाइंस करैक्टर्स एज टेन पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन एंड पैराग्राफ एज सिंगल स्पेस्ड एंड लेफ्ट अलाइंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वॉट इज़ द डिफॉल्ट फंड साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड दो हज़ार तीन तो उसका आएगा ट्वेल्व पी डी वाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फंड साइज ऑफ़ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड दो हज़ार तीन तो उसका सही आंसर है ट्वेल्व पी टी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट तो वो है वन एंड वन मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वन और वन हो सकते हैं नेक्स्ट है हाउ विल एम एस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटिड वर्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सही आंसर है ए रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटिड वर्ड्स हाउ विल एम एस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीट वर्ड तो वो है आ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटिड वर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच आर द फॉलोइंग माई टू रिप्रजेंट द मेन डॉक्योमेंट तो उसका सही आंसर है असेल ब्रोशर अ सेल ब्रोशर इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच आर द फॉलोइंग माई टू द मेन डॉक्यूमेंट तो वो है अ सेल ब्रोशर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है प्रेसिंग एफ एट फॉर थ्री टाइम्स अगर हम एफ एट की को तीन मरतबा प्रेस करते हैं तो हम एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं प्रेसिंग एफ एट की फॉर थ्री टाइम्स वी कैन सेलेक्ट आ सेंटेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है वट डू यू कॉल ए कुलेक्शन ऑफ़ करैक्टर एंड पैराग्राफ फार्मेटिंग कमांड्स तो उसे हम एक स्टाइल कहते हैं वट डू यू कॉल ए क्लैक्शन ऑफ़ करेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स तो उसे हम आ स्टाइल कहते हैं वट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू वट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू तो इसका सही आंसर है डी अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हैडिंग एट वेरियस लेवल्स वट इज़ द डॉकोमेंट आउटलाइन व्यू तो डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या चीज़ है अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हैडिंग एट वेरियस लेवल्स कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस जी के जरिए हम क्या कर सकते हैं अन डू द लास्ट एक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट है द डैश इज द रिज्यूम वीजर डायलॉग बॉक्स इंडिकेट द वीजड इज रेडी टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट तो वो उसका सही आंसर है फिनिश पैनल द फिनिश पैनल इज द रिज्यूम वीजड डायलॉग बॉक्स इंडिकेट द वीजड इज रेडी टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है वट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट कंट्रोल प्लस इक्वल टू की जो है ये क्या चीज़ परफॉर्म करती है तो ये सब स्क्रप्ट के लिए मतलब जैसे ये ए है तो इसके नीचे छोटा सा दो लिखने के लिए हम सब सक्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं व्हाट डस कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट तो वो है सब स्क्रिप्ट नेक्स्ट है द स्पाइक स्पाइक क्या होती है स्पाइक अलो यू टू कम्बाइन टेक्स्ट फ्राम सेवरल डॉक्यूमेंट एंड देन इंसर्ट ऑल द टेक्स्ट इन टू वन डॉक्यूमेंट एट वन टाइम स्पाइक क्या चीज़ परफॉर्म करती है अलाउ यू टू कम्बाइन टेक्स्ट फ्राम सेवरल डॉक्यूमेंट एंड देन इंसर्ट ऑल द डॉक्यूमेंट इन टू वन डॉक्यूमेंट एट वन टाइम क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है द वर्ड रैप रिक्रिए रिएचर वर्ड रैप रिएक्चर क्या चीज़ होती है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन वैन नेसेसरी वर्ड रैप रिएक्चर क्या चीज़ होती है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन वैन नेसेसरी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है हाओ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर सक्रिप्टिड तो वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू जैसे ये ए है इसके ऊपर दो लिखने के लिए हमें क्या करना इस पर पड़ेगा हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपरसक्रिप्टिड तो वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन है वन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैनुअली वट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड्स ब्रेसिस तो वो है कंट्रोल प्लस एफ नाइन वैन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैन्युअली वट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट द कोड ब्रेसिस तो वो है कंट्रोल प्लस एफ नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है वट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए तो वो है कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व वट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डाइलाग बॉक्स तो है कंट्रोल प्लस एफ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल किसी टेबल को स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर नेक्स्ट है विच की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट इनमें से कौन सी की है जो लेफ्ट इंडेंट के लिए इस्तेमाल होती है तो वह है कंट्रोल प्लस एम विच की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस एम नेक्स्ट है थिसोरस थिसोरस जो है वो किस के लिए इस्तेमाल होता है वो सिनोनेम्स के लिए इस्तेमाल होता है थिसोरस इज़ यूज टू फाइंड आउट सिनोनेम्स आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू यू कैन ओपन ऐट वन टाइम हम कितने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एक वक्त में ओपन कर सकते हैं एज मैनी एज योर कम्प्यूटर मेमरी विल होल्ड हो मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू ओपन एट वन टाइम हम एक वक्त में उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जितना हमारा कम्प्यूटर सपोर्ट कर ले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो मैक्रो बनाने के लिए दूसरा स्टेप कौन सा होता है गिव द मैक्रो अम गिव द मैक्रो आम विच आर द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो मैक्रो बनाने के लिए दूसरा स्टेप कौन सा होता है तो वो है मैक्रो को नाम देना नेक्स्ट है वैन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिंबल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट अ की आर की कम्बिनेशन डैट इज़ अन असाइंट दोबारा सुने वैन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू अ सिम्बल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट अ की आर की कम्बिनेशन डेट इज अनअसाइनड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर है विच फीचर इज़ यूज टू रिप्लेस स्ट्रेस्थ कोड्स विद स्मार्ट कोड्स एज यू टाइप क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर है ऑटो फार्मेट एज यू टाइप ऑटो फार्मेट एज यू टाइप विच फीचर इज़ यूज टू रिप्लेस स्ट्रेख कोड विद स्मार्ट कोड एज यू टाइप तो वह है ऑटो फार्मेट एज यू टाइप क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है विच ऑफ दी फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन टूल्स मैन्यू इन में से कौन सी कमांड है जो टूल्स मैन्यू में अवेलेबल नहीं है तो वो है ऑटो टेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मैन्यू तो वो है ऑटो टेक्स्ट जो है वो फूड कमांड्स अवेलेबल नहीं होती नेक्स्ट है वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स डेट इज़ डैश कैन डिटेक्ट द एरर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर है ऑटो करेक्ट ऑटो करेक्ट जो होता है वो हमारी टाइपिंग के दौरान स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन और ग्रामर की जो गलतियाँ होती हैं उनको डिटेक्ट भी करता है और उनको करेक्ट भी कर सकता है नेक्स्ट है इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ सिंबल और सेवर लाइन ऑफ टेक्स्ट इन टू एन करेक्ट एंट्री तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए इंसर्ट अ सिंबल और टाइप द टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट दैन सेलेक्ट द टैक्सट आर सिम्बल एंड गो टू द आटो करैक्ट डाइलाग बॉक्स दोबारा सुने इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ सिम्बल आर सेवर लाइन्स ऑफ टैक्सट इन टू एन आटो करैक्ट एंट्री तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए तो हमें इंसर्ट द सिंबल आर टाइप द टैक्सट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट दैन सेलेक्ट द टैक्सट आर सिंबल एंड गो टू आटो करैक्ट डाइलाग बॉक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आंसर है फोर्टी एट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल फिट बिहेवियर तो वो है इसका आंसर डी ऑटो फिट टू कॉलम विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर जब आप किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए फिट बिहेवियर में कौन सा ऑप्शन नहीं होता तो वो है ऑटो फिट टू कॉलम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन वन यू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू इन वर्ड दो हज़ार दस जब आप वर्ड दो हज़ार दस के अंदर फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस वक्त क्या चीज़ ओपन होती है बैक स्टेज व्यू वैन यू क्लिक ऑन फाइल मेन्यू इन वर्ड टू थाउजेंड टेन इट ओपन बैक स्टेज व्यू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है टैब्स स्टॉप पोजिशन कैन नॉट बी फॉलोइंग अलाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है टैब्स स्टॉप पोजिशन कैन नॉट बी फॉलोइंग अलाइनमेंट तो वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट जस्टिफाई अलाइनमेंट टेब स्टॉप पोजिशन कैन नॉट बी द फॉलोइंग अलाइनमेंट तो वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है वाई द डॉकोमेंट यू क्रिएटिड एट होम डिस्प्ले विद द डिफरेंट फंड एट स्कूल तो उसका ऑप्शन है सी बिकॉज द फंड यू यूज एट होम इज़ नॉट इंस्टाल्ड ऑन योर स्कूल कंप्यूटर वाई द डॉकूमेंट यू करिएटिड एट होम डिसप्प्ले वि डिफरेंट फंड एट स्कूल तो उसकी वजह यह होती है बिकॉज द फ़ंड यू यूज एट होम इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर स्कूल कंप्यूटर आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है कंट्रोल प्लस बी तो ये हमें पता है कि किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए किसी करैक्टर को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है कि अब मास्टर डॉक्यूमेंट अब मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स डैश च ऑफ विच कंटेन्स अंट टू अ फाइल ऑन अ डिस्क तो इसका सही आंसर है बुक मार्क्स मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन बुक मार्क्स ईच ऑफ विच कंटेन्स अपड टू अ फाइल ऑन ए डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज सेलेक्टेड वन एंड द लाइन बिटवीन चेकबॉक्स इज मार्क्ड वट इज द लाइन ड्रॉन तो इसका सही आंसर आएगा बी इन द राइट मार्जन दोबारा सुनें तो इन द नंबर ऑफ कॉलम्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेलेक्टेड वन एंड द लाइन बिटवीन द चेक बॉक्स इज मार्क्ड व्हाट इज़ द लाइन ड्रॉन तो उस वक्त जो लाइन ड्र होगी इन द इन द राइट मार्जिन नेक्स्ट है फिफ्टी फोर आ, फिफ्टी फाइव क्वेश्चन अ फीचर ऑफ एम एस वर्ड डेट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज़ अवेलेबल तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन चुने आफ्टर टाइपिंग हैडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली एंटर फूटर टेक्स्ट यानी कि हैडर टेक्स्ट के बाद आप क्विकली फूटर टेक्स्ट कैसे एंटर कर सकते हैं तो उसका ऑप्शन है ए प्रेस द पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फूटर प्रेस द पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट कि अगर हम कर्सर को पेज टू पेज मूव करना चाहते हैं तो हम ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट है यू कैन जंप टू नेक्स्ट कॉलम हम किसी भी नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जंप कर सकते हैं हम बाय क्लिकिंग थ्रो माउस और बाय प्रेसिंग अल्ट एंड डाउन एरो

क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है यू नीड टू जम्प टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग करंट कॉलम राइट एट द कर्सर पोजिशन हाउ कैन यू ब्रेक द कॉलम तो उसका ऑप्शन आएगा सी ब्रेक कमांड फ्राम इंसर्ट मैन्यू यू नीड टू जम्प टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग करंट कॉलम राइट एट द करसर पोजिशन हाउ कैन यू ब्रेक डेट कॉलम वी ब्रेक कमांड है ब्रेक कमांड फ्राम इंसर्टिड मैन्यू नेक्स्ट है इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज पेज ब्रेक तो इसका ऑप्शन है सी बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक हम वर्ड के अंदर पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है हाउ कैन यू इंक्रीज़ द फंड साइज़ ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाई वन पॉइंट एवरी टाइम तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कंट्रोल प्लस बंद ब्रैकेट यानी कि क्लोज ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट अगर हम फंड साइज़ को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं हर दफ़ा तो वो है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट नेक्स्ट है हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स हम फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम्स कैसे कर इस्तेमाल कर सकते हैं बाय डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन हाउ टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स हम फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाई डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन नेक्स्ट है सिक्सटी फोर वट इज़ द डिफॉल्ट फंट यूज इन एम एस वर्ड दो हज़ार सात तो वह है कैलिबर कैलिबर जो है यह डिफ़ॉल्ट फंड है जो 2007 हज़ार वर्ड के अंदर इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 है वर्ड इंक्लूड्स ए सीरीज़ ऑफ़ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड क्लिप आर्ट डेट कैन बी इंसर्टेड इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा सुने वर्ड इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड क्लिप आर्ट डेट कैन बी इंसर्टिड इंटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डॉट और अदर सिंबल पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ तो इसका सही आंसर है बुलेट अ बुलेट इज़ द डॉट और अदर सिंबल पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन तो वो है सेंटर सेंटर जो है ये पेज मार्जिन का टाइप नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन तो वो है सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ए हमें पता है कि सेलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑन होम रिबन इनमें से कौन सी चीज़ है जो होम रिबन के ऊपर नहीं होती तो वो है कॉलम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑन दि होम रिबन तो वो है कॉलम्स कॉलम्स क्योंकि इंसर्ट के अंदर हमें मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन वन थ्री हाईफन्स अंडर स्कोरस इक्वल साइंस सर्जरीज आर नंबर सैंस आर टाइपड एंड दैन एंटर की इज प्रेस्ड द आटो फार्मेट फीचर तो उस वक्त क्या होगा प्लेसिस ऑफ बॉर्डर अबाव ए पैराग्राफ वैन थ्री हाइफन अंडर स्कोरस इक्वल साइंस आर्ट स्ट्रीज आर नंबर साइंस आर टाइप एंड दैन द एंटर की इज़ प्रेस्ड द आटो फार्मेट फीचर प्लेस ऑफ बॉर्डर अबाव ए पैराग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नंबर सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री में कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस ई किसके लिए इस्तेमाल होता है तो वो अलाइन सेंटर यानी कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है वन अ कस्टम टैब स्टॉप इज सेट वन अ कस्टम टैब स्टॉप इज सेट तो उस वक्त तो वर्ड क्या आएगा इसका ऑप्शन है सी

बट यू विश टू शो ए सो हाउ कैन यू डू डेट तो हम ये कैसे कर सकते हैं ऑप्शन सी के जरिए क्लिक ऑन देज नंबर फॉर मे टूल एंड स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग वेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फोटर जब हम पेज पेज का फोटो लगाते हैं किसी पेज का तो वो वो वन अपीयर होता है लेकिन हम उसे ए के साथ सेट करना चाहते हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं क्लिक ऑन पेज नंबर फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है हाउ डू यू क्लोज ए वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट को वर्ड विंडो को क्लोज किए बिना कैसे क्लोज कर सकते हैं क्लिक ऑन द क्लोज कमांड ऑन ऑफिस मेन्यू हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग द वर्ड विंडो तो वो है जो क्लोज का ऑप्शन इस तरह का होता है एक नुकर के अंदर उसके ऊपर क्लिक करके हम उसको क्लोज कर सकते हैं करंट डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट है टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड तो वो है डबल क्लिक द ओ वी आर स्टेटस इंडिकेटर ऑन द स्टेटस बार टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड के दरम्यान स्विच करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं ओ वी आर स्टेटस इंडिकेटर को स्टेटस बार के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू डू इफ यू रिक्वायर टू पेस्ट द सेम फॉर्मेट इन मैनी प्लेसिस तो उसके लिए हम ऑप्शन बी का इस्तेमाल करेंगे डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर देन गो ऑन पेस्टिंग इन मैनी प्लेसेस वट शुड यू डू इफ यू रिक्वायर टू पेस्ट द सेम फॉर्मेट इन मैनी प्लेस तो हम यानी कि अगर हम सेम फॉर्मेट को बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर और उसे जगह के ऊपर जाकर पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट है विच वुड यू चूज़ टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम हम किसी डॉक्यूमेंट को नए नेम के साथ सेव करने के लिए तो हम क्या करेंगे क्लिक फाइल एंड सेव एज़ किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए हम ए, क्लिक फ़ाइल करेंगे और फिर सेव एज कर देंगे नेक्स्ट है यू कैन नॉट क्लोज एम एस वर्ड एप्लीकेशन हम एम एस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते कैसे फ्रॉम फ़ाइल मेन्यू चूज़ क्लोज सब मेन्यू। यू कैन नॉट क्लोज़ एम एस वर्ड एप्लीकेशन हम एम एस वर्ड एप्लीकेशन को कैसे क्लोज़ नहीं कर सकते फ्राम फ़ाइल मेन्यू चूज़ क्लोज सब मेन्यू नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट पिक्चर के अंदर कौन सा मैन्यू जो है वो अवेलेबल नहीं होता तो वो है ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर के ऑप्शन के अंदर इंसर्ट पिक्चर के ऑप्शन के अंदर ग्राफ वाला जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता नेक्स्ट है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज्ड टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड क्वेश्चन नंबर एटी टू का आंसर है क्लोज इसका आंसर अच्छा है क्लोज विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज टू क्लोज ए फाइल इन एम एस वर्ड तो वो है क्लोज क्वेश्चन नंबर एटी थ्री है कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस ओ किस के लिए इस्तेमाल होता है ओपन डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओ इस्तेमाल होता है ओपनिंग डॉक्यूमेंट के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी फोर विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़ पेपर लाइक डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर एटी फोर का आंसर अच्छा है कॉलम्स च फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़ पेपर लाइक डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए हम कॉलम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है अ टूल बार अ टूल बार कंटेंस बटन्स बॉक्सिस एंड मैन्यूज डैट अलाउ टास्क टू बी परफॉर्म्ड मोर क्विकली देन यूजिंग द मैन्यू बार दोबारा सुनें अ टूल बार कंटें बटन बॉक्सिस एंड मैन्यू डेट अलाउज टास्क टू बी परफॉर्म्ड मोर क्विकली देन यूजिंग द मैन्यू बार क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स है आ लेटर हैड आ लेटर हैड शुड कंटेन आल ऑफ द फॉलोइंग आटर हैड शुड कंटेन आल ऑफ द फॉलोइिंग एक्सेप्ट तो वो है नन ऑफ अब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फ्रंट स्पेसिंग तो वो है लूजली विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन फंड स्पेसिंग तो वो है लूजली जो है ये फंड स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं होता क्वेश्चन नंबर एटी एट है टू कन्वर्ड ए हाइपर लिंक ई मेल एड्रेस टू रेगुलर टेक्स्ट राइट क्लिक द ई मेल एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन रिमूव हाइपर लिंक ऑन द शॉर्ट मैन्यू टू कन्वर्ट हाइपर लिंक टू रेगुलर टेक्स्ट यानी कि हाइपर लिंक ई मेल को हम रेगुलर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम राइट क्लिक ई मेल एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन दी रिमूव हाइपर लिंक शॉर्टकट मैन्यू नेक्स्ट है विच मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट तो इसका सही आंसर है क्रॉस रेफरेंस विच एनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट तो इसका ये आंसर बल्कि नहीं है इसका आंसर आएगा बुक मार्क्स विच एनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट तो वो है बुक मार्क्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द प्रीवियस पैराग्राफ इज कैरीड फॉर्वर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ईच टाइम अगर हम जब भी एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ जो है वो मतलब ऊपर वाले से नीचे की जनब जा, शिफ्ट हो जाता है इन प्रीवियस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द प्रीवियस पैराग्राफ इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू तो द नेक्स्ट पैराग्राफ आगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन आएगा कि वाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन यूज टू तो क्रिएट अ कापी राइट सिम्बल हम कॉपीराइट सिम्बल को क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं वो है अल्ट कंट्रोल सी अल्ट कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट मेन्यू कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए जो कि इस तरह का होता है अच्छा उसके बाद है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फंट डायलॉग बॉक्स फंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फंट डायलॉग बॉक्स फंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है वाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट हम जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन अ डॉक्यूमेंट तो वो है एफ सेवन एफ सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव वट इज़ द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन अ टेबल इसका सही आंसर है एफ नाइन व्हाट इज़ द शॉर्ट कट की टू अपडेट फार्मूला इन अ टेबल फार्मूले को टेबल के अंदर अपडेट करने के लिए एफ़ नाइन हम इस्तेमाल करते हैं वाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फ्रंट डायलॉग बॉक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स है वाट इज द शॉर्ट कट की फॉर फ्रंट डायलॉग बॉक्स तो वो है कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस डी जो है वो फ्रंट डायलॉग बॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है वाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डाइलाग बॉक्स तो वो है कंट्रोल प्लस एच वाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डाइलाग बॉक्स तो वो है कंट्रोल प्लस एच जबकि सिर्फ फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ करते हैं नेक्स्ट है वाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन अ डॉक्यूमेंट तो वो है कंट्रोल प्लस के 98 का है कंट्रोल प्लस के नेक्स्ट है 99 हाउ कैन यू एक्सेस द फ्रंट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी हाउ कैन यू एक्सेस द फ्रंट साइज़ टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार फ्रंट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर हम आ, क्या चीज़ शॉर्टकट की कौन सा दबाते हैं वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया तो वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट जैसे ये ए है इसके नीचे ये दो आ गया ये सबस्क्रिप्ट ये ए है इसके ऊपर दो आ गया तो यह है सुपर स्क्रिप्ट सुपरसक्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू और सब स्क्रप्ट के लिए कंट्रोल प्लस सिर्फ इक्वल टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक सौ दो वट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को के अंदर एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ फोर का इस्तेमाल करते हैं वाट इज द शॉर्टकट की टू शो फ्रंट डायलॉग बॉक्स फ्रंट डायलॉग बॉक्स के लिए हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो है ऑल ऑफ अबाउ यानी कि कंट्रोल डी कंट्रोल शिफ्ट एफ कंट्रोल शिफ्ट पी हम ये सारे के सारे जो हैं वो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए नेक्स्ट है हाउ टू रिमूव ऑल करैक्टर फार्मेट्स ऑल करैक्टर फार्मेट्स को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार हाउ टू रिमूव ऑल करैक्टर फार्मेट्स तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट वाट इज द शॉर्टकट की टू अन डू द लास्ट एक्शन तो उसके लिए हमें पता है कंट्रोल प्लस जी कंट्रोल प्लस जी अन डो के लिए आज के लिए इतनी इन शाला हम बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्लामैकम